जब घर ले दरवाजे के बाहर निकल गए कुछ जगह बचे रहते हम अंगना का था आप मन अंगना मंगले का था ये अंगना मंगले में का कचरा भरे थे धार बाहर के पहुंच गए अंगना में अंगना बनाना प्रकार के काम क्रोध लो मोह अहंकार भय कृष्ण राग द्वेष खटविकार रूपी कचरा भर रहे हुए ज्ञान में झाड़ में शिक्षा रूपी झाड़ में बाहर करके कंचन कायला पवित्र बनाना करते वाह 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 कई अंगुल में चौका पोते कई अंगुल प्रमाण कई अंगुल हल्का लगा हुआ पार कहे भैया अच्छा नौ अंगुल में चौका पोते सात अंगुल प्रमाण पांच अंगुल कलता फिर हल्का लगा हुआ पार कहे भैया ए बाबा नौ अंगुल सात अंगुल पांच अंगुल का था यही बात मोर समझ भले यहाँ से बाबा आप मान सोनवानी मन के हाथ किलो दुखी लगे सात के सौ छह का सवाल किसे पूरे अच्छा और नौ अंगुल सात अंगुल पांच अंगुल का था ये बात मोर समझ में नहीं आते बाबा समझा के बता दे यह बात जब बाबा सबका पिता समझा के कहे कि हे मानव समाज कैसे जैसे पिसाल है बेदाग है निर्मल है कंचन है सफेद है हीरा मोती जैसे चमकत है वाह वाह वैसे प्रकार से उगाया हीरा मोती जैसे निर्मल कंचन सफेद चमकत है ये हीरा मोती जैसे निर्मल कंचन कायाला नाना प्रकार के रंग बिरंगे भोजन पकवान पी खा करके खा पी करके ये कंचन कायाला दांत मत लगाओ कहीं हाँ नौ अंगुल मतलब नौ इंद्री हाँ वैसे तो शरीर की सृष्टि दस इंद्री से निर्मित है हाँ लेकिन नौ इंद्री में सात सात इंद्री साथ साथ प्रमाण हुआ कहीं अच्छा नौ इंद्री में हाँ दो नाक दो आंख दो कान एक मुंह सात मल द्वार गुदा द्वार मल द्वार गुदा द्वार नौ इंद्री गुप्त है कहीं अच्छा जी क्षमा सात इंद्री साक्षात प्रमाण है कहीं अच्छा जी एकाग्र है एकाग्र है एक जगह सात इंद्री हवा नहीं एकाग्र बना लो कहीं के माध्यम से स्वर्ग और नरक जाए के दो रास्ता ओ कैसे अगर तुम आँखी में देख के गलत जा रास्ता में जावे आँखी में मुंह में चीज करके गलत चीज के सेवन करवे कहूँ आँखी में देख के अभी ट्रेन आवा थे आके खड़े तो तैने मर गए तो मैं मर गया कहीं मर गए ट्रेन के सामने खड़ा हो गए तो बाँचबे कुटी कुटी कटा देवे सही बात है कोई ठिकाना नहीं है पापर का अगर मुंह में चीख करके तो वो जहर कड़ू लागत है हाँ। तब वो गड़ 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 पिए जाता अब नहीं छमर में तो मैं भी मर कहीं छमर में उच्च जहर लपीबे बाजबे का तो यही सात इंद्री ला प्रमाणित करते हुए बाबा से मान्यता प्राप्त थे भैया सुन करके पट्टी खाती भैया जी नाक नाम के इंद्री लबनाए हवा अच्छा अमृत तत्व की रचना में नए रूपी की लबनाए के माध्यम से संसार के सोवासी कारवा देख करके पटके खाती हवा तत्व की रचना में कान रूपी इंद्री लबनाए अच्छा माध्यम से संसार के स्वर है आवाज जिला सुन करके पटके खाती हवा तत्व की रचना में कान रूपी इंद्री लबनाए हवा भैया जी मुख नाम का अपना है माध्यम से संसार की जो स्वाद है अच्छा खट्टा मीठा कसैला कड़वा नमकीन ऐसे प्रकार के स्वाद है जरा चीख करके परखे खाते अच्छा जल तत्व की रचना में मुख नाम के इंद्र लगना है वाह संसार में सबले मीठा का है संसार में सबले मीठा गुड़ हर थे वो कैसे अभी मैं चीख के पूछ देता सोनवानी मन कैसे ले तो मीठ लगा बाबू लगते सोनवानी लगते तोला मीट लगा था बाबू तोला मीट लग जरूर लगा था हमारे छोटे भाई लगा था मीट बाबू ये भैया हाथ हाथ में तोला मीट लगा थे नहीं लगाते ये भैया हाँ गुड़ लगता है खाते जब नहीं खाते वाला पूछा था तो स्वाद लो का जाने भैया हाँ वैसे प्रकार से बाबा भाई दादी बोले कि हे मानव समाज कैसे संसार में चाहे गुड़ हो चाहे शक्कर हो चाहे नीम पत्ता जैसे कड़ुआ हो बेटा खाते हुए तो स्वाद लपाते अच्छा